समाचार अत्यारे प्राप्त थई रह्या छे। बहराइच हिंसाकांडमां बे आरोपीओना एन्काउंटर थया छे। मुख्य आरोपी सरफराजनुं एन्काउंटर थयुं, आरोपी तलीबनुं पण एन्काउंटर थयुं। बंने आरोपी नेपाळ भागवानी फिराकमां हता त्यारे बहराइचमां जे हिंसा फाटी निकळी त्यारे तेमां जे मुख्य आरोपी छे बंनेना एन्काउंटर थया छे। आरोपी तलीबनुं एन्काउंटर थयुं छे अने आ बंने आरोपी जे छे ते नेपाळ भागवानी फिराकमां हता। मुख्य आरोपी सरफराज जेनु पण एन्काउंटर करवामां आव्युं छे। बहराइच हिंसाकांडमां बे आरोपीओना एन्काउंटर करवामां आव्या हता। बहराइच हिंसामां एक युवकनुं मौत निपजुं हतुं। आ आरोपीओ जे छे बंने आरोपीओमां मुख्य आरोपी सरफराज अने अन्य आरोपी तलीब बंनेना एन्काउंटर थया छे। अजय यादव वधु विगतो जणावी रह्या छे। अजय जानना चाहेंगे बहराइच हिंसा केस में जो दो आरोपी थे उनका एन्काउंटर हुआ है, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए जो आरोपी हैं वो इस तरह से पांच बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो जिस दिन ये पूरी घटना हुई थी और घटना के दिन उन पांचों का छत पे खड़ा होकर के पूरे जुलूस को देखने का जो विजुअल कैद हुआ था उसी के आधार पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस है इन लोगों को संदिग्ध मान करके चल रही थी और लगातार इनके गिरफ्तारी के लिए तमाम सारी दबिश दी जा रही थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि सरफराज और तालिब दो ऐसे आरोपी थे जो नेपाल भागने की फिराक में थे और यूपी पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी और कुल मिला के उसका रिजल्ट यही हुआ कि दो आरोपी जो हैं उसमें जो पांच आरोपी पहले बताए जा रहे थे उसमें दो आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब इसमें जो मृतक है उसके परिवार के लोग जब योगी आदित्यनाथ से मिले थे तब योगी सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था, योगी आदित्यनाथ की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि जो भी इसमें गुनाहगार है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मुख्य बात यही है कि एक जुलूस में जो कि दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम था जुलूस जब निकल रहा था तो उस वक्त कहीं कहीं दो समुदायों के बीच तनाव हुआ था और तनाव में जो बर्बरता जो मृतक है उसके साथ की गई थी उसको लेकर कहीं कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में से गुस्से का माहौल था। लेकिन अब जैसा कि कई सारी घटनाएं देखती हैं कि जब भी इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में स्पेशली होती हैं तो योगी सरकार की तरफ से किस तरह का रवैया अपनाया जाता है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल दो जो आरोपी हैं सरफराज और तालिब उनको गोली लगी है, उनका एनकाउंटर किया गया है। जी जी धन्यवाद अजय इस जानकारी के लिए।